खुद के ऊपर प्यार करना, प्रेम करना, यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, यह मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। जैसा मैंने पहले कई वीडियो में कहा है कि खुद की आलोचना करना, अपराधीपन की भावना रखना, पाप की भावना रखना, तो ये चालू रहता है और उसके लिए माफ नहीं करना खुद को और वो दिमाग में रखना, यह काफी बीमारियों को निमंत्रण देता है। उसके साथ साथ खुद के ऊपर प्यार नहीं करना, और खुद के ऊपर प्यार नहीं करना इसका मतलब सेल्फिश होना नहीं है। इसका मतलब अहम या आय या ईगो जो है उसको बढ़ावा देना ऐसा नहीं है। खुद के ऊपर प्यार करो, और खुद के ऊपर प्यार आप नहीं करते हो ये आपको मालूम होगा तब जब आप ऐसी कुछ चीजें करते होंगे कि जो बताती है या वो चीजें येलो अलर्ट है कि भाई आप खुद के ऊपर प्यार नहीं कर रहे। जैसा कि खुद को बार बार फटकारना, खुद की आलोचना करना, ये हो सकता है। फिर भोजन समय पे नहीं करना, शराब पीना, नशीली चीज़ें का इस्तेमाल करना जो अपने को हानिकारक है मालूम है, तो वो बताता है कि आप खुद के ऊपर प्यार नहीं कर रहे, खुद के शरीर के ऊपर प्यार नहीं कर रहे। फिर मैं प्रेम योग्य नहीं हूँ, लोग मेरे ऊपर प्यार नहीं करते और लोगों ने प्यार नहीं करना चाहिए ऐसा मान लेना, ये भी हो सकता है। फिर अपनी जो सेवाएं हम देते हैं लोगों को उसको सम्मान्यजनक मूल्य जो चाहिए कि ऑनरेबल प्राइस मुझे मिलना चाहिए जब मैं सेवा देता हूँ, मेरी सर्विस देता हूँ, तो वो नहीं मानना, अपने आप को कम समझना और मेरी सेवाओं का मूल्य नहीं मांगना, ये हो सकता है। फिर अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर कुछ ऐसे काम करना कि जिससे बीमारियाँ हो जाएंगी, जैसे एक्सरसाइज वक्त पर नहीं करना तो वो हो सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें टालना कि जिससे अपने को लाभ हो सकता है, मालूम है कि इससे लाभ होगा मगर वो नहीं करना, ऐसी कुछ चीज़ें डालना, अपने आप को प्रेम नहीं करना या प्यार नहीं करना ऐसा बताती है। फिर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, रात देर तक सोने का नहीं, कम सोना या बहुत लेट खाना खाना और अपने बॉडी की केयर नहीं करना, अपनी खुद की अवहेलना हो सकती है ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे प्रेमियों के साथ में रहना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बताती है कि आप खुद की आलोचना तो करते ही करते हो और आप आपके ऊपर प्यार नहीं करते, क्योंकि आप यदि प्यार करते होंगे बदन के ऊपर, देखो आप जो एक्सप्रेस हो रहे हैं वो एक्सप्रेस करने का मतलब सेल्फ जो है वो सेल्फ को एक्सप्रेस करने के लिए बॉडी है, ये बॉडी के थ्रू ही वो सेल्फ एक्सप्रेस होता है। अब ये बॉडी को हमने ठिकाने पर नहीं रखा, बराबर नहीं रखा, उसके ऊपर प्यार नहीं किया, तो फिर खुद के ऊपर प्यार नहीं कर रहे। उसके साथ साथ कोई चीज है मतलब आंख के ऊपर जो है उसको भी, उसका भी मतलब सर्विसिंग करना जरूरी है, जैसा कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो देखना, कोई सेमिनार्स अटेंड करना, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना कि जिससे उसको ताकत मिलेगी, उसको एनर्जी मिलेगी, तो वो भी हम नहीं करते। और फिर हम चाहते कि नहीं, हमारी जो सेल्फ है, हमारा जो आत्म अभिव्यक्ति है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, उसने होना चाहिए और वो उसको एक्सप्रेस करना है बॉडी के थ्रू, बॉडी भी ठिकाने पे नहीं, शरीर भी ठिकाने पे नहीं, और फिर हम बोलेंगे कि नहीं नहीं हम तो लाइफ में सक्सेसफुल है नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यदि अपने ऊपर प्यार करना चालू करते हो और जैसा मैंने बोला ये जो चीज़ें वो आप करते हो रोज, तो आपको बहुत सारी राहत मिलेंगी बीमारियों से, मानसिक और शारीरिक। आप अपने ऊपर प्यार करोगे तो आत्म अभिव्यक्ति होंगी, सेल्फ एक्सप्रेशन होगा, जिंदगी में खुशहाली आएंगी और बहुत जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।